अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से। आज जमात हम का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हम लोग रमज़ान में कर चुके हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। इससे पहले हम हफीज़ जलंधरी की नज़म हम कर चुके हैं। अब अगली नज़म है एहसान दानिश की नात। सबसे पहले हम तारुफ़ से शुरू करते हैं। एहसान दानिश, एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांधला ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबाद थी। अरबी और फारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और गुरबत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। माली हालत नागुफ्ताबाद थी यानी कि ख़राब हालत थी, ऐसी ना थी, पसमानदा थे, ऐसी ना थी कि वो माली उनके जो मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि उनके तालीमी खराजात को बर्दाश्त कर सकते। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो इंटेंट हुई, मामारी की, चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुतालिया जारी रखा। मौजू तबा थे, शेर गोई का शौक भी था। मौजू तबा थे यानी कि उनके अंदर शेरी जोक मौजूद था, इसीलिए वो जो है वो बचपन से चाहे वो तालीम की तरफ भी ना जा सके, मजदूरी भी करते रहे, ईंटें भी ढोई, मामारी भी की, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर शेर गोई का हुनर मौजूद था। काजी मोहम्मद जकी की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम शायर थे यानी कि उनको अपने कलाम पर मुकम्मल अबूर हासिल था, कुदरत हासिल थी। इनकी शायरी मशरकी अकदार की आयनादार है यानी कि जो मशरकी अकदार हमारी मौजूद हैं इसमें वो उनकी शायरी में उनकी झलक हमें नज़र आती है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शोरा होते हैं जो कि नज़म और गज़ल पर जो है वो मुकम्मल अबूर रख सकें, मगर उनकी वजह शोहरत और उनकी नज़में हैं। इनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है वहाँ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। इन्हें मजदूर शायर कहा जाता है। इनकी तसानीफ में हदीस जिंदगी, दर्द जिंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, जख्मो मरहम और शिराजा शामिल हैं। इनकी आप बीती जहान दानिश बहुत मकबूल हुई। अच्छा, ये तो इनका इंट्रोडक्शन था। अब आगे जैसे आप लोगों को पता है क्लास 9 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लेसन ऐसे होंगे जिनके सवालात में खुद बनवाऊंगी आपको। अब बनवाए 9 में भी आप लोग बना के आ चुके हैं, एक जैसे सवालात होते हैं। अब जो आगे हम जितने भी लेसन करेंगे एक दो लेसन के बाद, तो उनके सवालात आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के खुद बनाने हैं और जो मशकी सवालात होंगे उनके जवाबात भी आपने सबक पढ़ के खुद लिखनी है, ठीक है। मुदज़ज़ल सवालात के जवाबात दें। नंबर 1, एहसान दानिश का सने पैदाइश और जाए पैदाइश तहरीर करें। सवाल नंबर 2, एहसान दानिश का असल नाम तखल्लुस और कलमी नाम बताएं। सवाल नंबर 3, एहसान दानिश को बचपन में किन हालात का सामना रहा। सवाल नंबर 4, एहसान दानिश ने शेर गोई में किस की सोहबत इख्तियार की। सवाल नंबर 5, एहसान दानिश की शायरी की अहम खूबी क्या थी। सवाल नंबर 6, एहसान दानिश की नज़मों की अहम खूबियाँ बयान करें। सवाल नंबर 7, एहसान दानिश की अहम तसानीफ़ के नाम तहरीर करें। सवाल नंबर 8, एहसान दानिश की आप बीती किस नाम से मशहूर है। सवाल नंबर 9, एहसान दानिश का सने वफात, सॉरी यहाँ पे सब लिखा है, आपने लिखना है सने वफात तहरीर करें, ठीक है। ये 9 सवाल आते हैं। इनका अब आपने क्या करना है कि इन सवालात के जवाबात आपने उस तारुफ को पढ़कर उनको अपनी कापी में तहरीर करना है और उसके बाद इसको याद करना है। इसलिए ये बार बार मैं आप लोगों को याद करने का कहती हूँ क्योंकि ये सवालात आप लोगों के इतने ज़्यादा अहम हैं कि इनका इनके जो आपका सवाल नंबर 1 का हिस्सा होता है जो MCQs होते हैं उसे में अक्सर सवालात आ जाते हैं, और इसके अलावा आप लोगों का जो बे हिस्सा है उसमें जो सवालात के जवाबात होते हैं उसमें भी ये आ जाता है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप लोग ये काम अपना मुकम्मल कर लेंगे।